पप्पू तो तू भी है, तेरा बाप है पप्पू, पप्पू तेरा बाप है, पप्पू तेरा बाप है, पप्पू तेरा बाप है, पप्पू तेरा बाप है, तेरा बाप बन गया पप्पू, रुकिए रुकिए, बाप बन गया पप्पू, अरे रुकिए 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 रुकिए, पप्पू कैसे कह रहे, क्या क्या क्यों कह रहे पप्पू, उनका बोलने का ढंग है नहीं, क्या बोल रही है, मोदी चौथी पास पड़ा हुआ है, औकात है उसकी, महिलाएं देखिए 3 तलाक का मैटर ले लीजिए आप, महिलाएं सुरक्षित कहाँ है, अभी भी लगातार बलात्कार के केस आ रहे, तुम कह रहे सारे गुंडे तो बीजेपी में बैठे हैं, कहाँ सुरक्षित है ये देश की महिलाएं, सारे गुंडे तो बीजेपी में बैठे हैं, सारे गुंडों को एकदम उनको बेल मिल जाती है बीजेपी के लोगों को, और सब जेलों को डाल देते हैं, क्यों पूरा वही पप्पू बोला है, जिसकी शिक्षा का पता है वो अनपढ़ जाहिल पप्पू है, जिसकी शिक्षा का पता नहीं है वो बहुत बड़ा विद्वान है, गपौड़ियों को यही लगता है, गपौड़ियों के सब पप्पू ही लगे हैं, पढ़ा लिखा के एक तरफ से आलू डालो दूसरे में सोना निकलेगा, ये बयान किसका बयान है, राहुल ने कहा ये बयान राहुल गांधी का नहीं है, किसका है, मोदी जी का बयान है, वो कोट कर रहे थे कि मोदी जी ने कहा आधा काट का आधा जोड़ देते हो, इसीलिए इन लोगों के दिमाग में ज्ञान की कमी है, व्हाट्सएप से ही सारी नॉलेज लेते हैं ये लोग, व्हाट्सएप से ही नॉलेज लेते हैं, जिसने विदेश से शिक्षा ली जो अभी जो है और जिसकी देश में देश की शिक्षा का पता नहीं है, क्या किया क्या नहीं किया तक एजुकेशन के बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता है, ना कोई जानकारी है, वो पढ़ा लिखा इंसान है, जो कह रहा गोबर से गैस बना वो पढ़ा लिखा इंसान है, हाँ नाले की गैस से चाय बना पढ़ा लिखा इंसान है, वो जो कह रहा है कि बारिश में जहाज लेके जाओ रडार में पकड़ में नहीं आओ पढ़ा लिखा इंसान है, वाह मेरे भाई वाह, और मोदी लड़ लेते जितने वोट राहुल गांधी को मिले क्या मोदी जी को मिले हैं, हर चरते बच गए हैं, शुक्रिया मनाएंगे, ऐसा है कहीं भी किसी महिला से रेप होता है तो ये सारे पहुंच जाते हैं, चाहे मणिपुर हो चाहे हाथरस हो, लेकिन नहीं 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 ये राहुल गांधी मणिपुर मोदी जी गए आज तक गए, बलात्कार की बात कर रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह को पकड़ कर रखे हो जो अभी अपनी पार्टी में उसके लड़के को सांसद बनाए हो, बलात्कार की बात नहीं करो बेहतर है, बीचू वालों को जमानत दिलवा दिया ना आपने, बीचू वालों को जमानत दिलवा दिया नहीं, बलात्कारियों की बातें कर रहे हैं, ब्रजभूषण की बातें कर रहे हैं, आप 70 साल का इतिहास देखिए ना कांग्रेस का, कांग्रेस ने क्या, तुम बोलो मैं तो बोल दूंगा कांग्रेस ने गलत किया, क्या बोलोगे कांग्रेस बीजेपी ने गलत किया, मैं बोल दूंगा कांग्रेस ने गलत किया, एक्सेप्ट करो गलत किया बीजेपी ने, मैं बोल रहा हूँ गलत किया, मंत्री है वो, लेकिन उसके स्टेटमेंट सुनिए आप प्रधानमंत्री के, वो स्टेटमेंट है राहुल गांधी के, संविधान संविधान बचाने की बातें कर रहे हैं, उनको यही पता नहीं है कि संविधान के अंदर कितने पन्ने होते हैं, बताया उन्होंने क्या, फिर उसको नहीं पता, आपको जानकारी है, मोदी जी को बड़ी जानकारी होगी, फिर तो ये कह रहे हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, सुई से लेके हवाई जहाज तक कांग्रेस ने बनाया, मोदी ने क्या बनाया 10 साल में, दुबई बेच दिया, सब तो बेच दिया मोदी, अंबानी अडानी को बेचा, देखो अंबानी अडानी की जहाँ बात ले रहे हो वहाँ तो चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, उन आदमियों को तो साथ में लेना ही लेना पड़ेगा, पूंजीपतियों के बगैर सरकार नहीं चल सकती, कैसे नहीं लिया, क्या कांग्रेस की सरकार में अडानी अंबानी नहीं थे, वो भी थे, अभी तक एसी का वेटिंग रूम फ्री होता था, आज की डेट में 10 रुपीज पर आवर पर कैंडिडेट पैसा लिया जाता है, वहाँ पर नहाने के लिए आप वहाँ वॉशरूम अगर यूज करेंगे 35 रुपए है, आज की डेट में जाके चेक कर लीजिए, मेरी बात मत मानिएगा, जाइए पर चेक कर लीजिए, झूठ मिले तो आप इनका नंबर ले लीजिएगा, मैं अपना नंबर दे देता हूँ उनको, आप मुझे गाड़ी दे देना, पैसा ले रहे हैं वैसी फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन बात ये है कि राहुल गांधी को लेकर जो तमाम बयान दिए गए हैं, उनको आतंकवादी कहा गया जाएंगे, जो इंदिरा गांधी का हाल हुआ वो राहुल गांधी का भी हाल हो जाएगा, ये बयान सही है, नहीं मैडम जी देखो ऐसा बयान तो गलत बयान देना तो किसी की, चाहे वो विपक्ष का नेता हो चाहे वो पक्ष का नेता हो, बयान तो गलत बयान देना, आज प्रधानमंत्री को ऐसे बोलना, क्या प्रधानमंत्री के पीछे गलत बयान दे रहे सकते हैं, ठीक है गलत नहीं बोल पाएंगे, अंतर है, ये गलत को गलत नहीं कहेंगे, ये कहेंगे तुमने गलत कर दिया, अरे भाई मैं कह रहा हूँ गलत कर दिया, हमने उन्हीं को हटाया ना सत्ता से, कांग्रेस को हटाया मोदी जी को लाए, अब आप बोलो कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, बोलो राहुल के लिए आपने क्या बोला, संविधान नहीं पढ़ा समझे, ये तो 2 दिन के प्रधानमंत्री हैं, उसकी दादी प्रधानमंत्री, उसका बाप प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री खुद को तो ज्ञान होना चाहिए ना, खुद को तो ज्ञान होना चाहिए उसको, खुद को तो पूरे देश को पप्पू बोल रही है उसको, ऐसे बोल रही है, कौन बोल रहा है, पूरा देश बोल रहा है, पूरा वही पप्पू बोल रहा है, जिसकी शिक्षा का पता है वो अनपढ़ जाहिल पप्पू है, जिसकी शिक्षा का पता नहीं है वो बहुत बड़ा विद्वान है, गपौड़ियों को यही लगता है, गपौड़ियों के सब पप्पू ही लगे हैं, पढ़ा लिखा के एक तरफ से आलू डालो दूसरे में सोना निकलेगा, ये बयान किसका बयान है, राहुल ने कहा ये बयान राहुल गांधी का,
का नहीं है। किसका है? मोदी जी का बयान है, वो कोट कर रहे थे कि मोदी जी ने कहा था काट का आधा जोड़ देते हो, इसीलिए इन लोगों के दिमाग में ज्ञान की कमी है। व्हाट्सएप से ही सारी नॉलेज लेते हैं ये लोग, व्हाट्सएप से ही नॉलेज लेते हैं। जिसने विदेश से शिक्षा ली, जो अभी जो है, और जिसकी देश में देश की शिक्षा का पता नहीं है, क्या किया क्या नहीं किया तक, एजुकेशन के बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता है, ना कोई जानकारी है, वो पढ़ा लिखा इंसान है। जो कह रहा गोबर से गैस बना, वो पढ़ा लिखा इंसान है। हाँ, नाले की गैस से चाय बना, पढ़ा लिखा इंसान है। वो जो कह रहा है कि बारिश में जहाज लेके जाओ, रडार में पकड़ में नहीं आओ, पढ़ा लिखा इंसान है। वाह मेरे भाई, वाह वाह भाई वाह। कंप्यूटर कौन लाया इस देश में? कंप्यूटर का विरोध करने वाले आज डिजिटलाइजेशन का विरोध कर रहे थे, जो कंप्यूटर का विरोध कर रहे थे, आज वो बोल रहे हैं इंडिया डिजिटल हो गया है। अगर कंप्यूटर नहीं आया होता उस समय तो क्या डिजिटल हो पाता? जब आधार लाया जा रहा था कम मनमोहन सरकार, तब ये विरोध कर रहे थे, आज बोल रहे हैं आधार बहुत अच्छा है। ये वही है, ये कभी भी अपनी गलती को नहीं माने कि हमने गलत किया है, इसीलिए 70 साल लगे था आने में। अब जनता इस बार जब थकेगी, 70 साल फिर लगा देंगे। कहते हैं कि जो भाजपा है, भाजपा के सपोर्टर्स है, कार्यकर्ता, वो कभी अपनी गलती नहीं मानते। वो तो देखो कुछ ही कह सकते हैं, स्वतंत्र है इस इंडिया के अंदर हर आदमी, ठीक है, कोई कुछ ही बोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बहुत डीपली जाकर के देखिए, जो मोदी जी के 10 सालों के अंदर जो विकास हुआ है देश के लिए, आप पूछ रहे हैं कि क्या विकास? कैसे नहीं हुआ मेरे को बताइए? जम्मू में हम जा नहीं सकते थे, आज जाके देखो पहले। फिर महिलाएं देखिए, 3 तलाक का मैटर ले लीजिए आप, महिलाएं सुरक्षित कहाँ है? अभी भी लगातार बलात्कार के केस आ रहे। नहीं नहीं, महिला सुरक्षित कैसे नहीं है मेरे को? तुम कह रहे सारे गुंडे तो बीजेपी में बैठे, कहाँ सुरक्षित है ये देश की महिलाएं? सारे गुंडे तो बीजेपी में बैठे, सारे गुंडों को एकदम उनको बेल मिल जाती है बीजेपी के लोगों को, और सब जेलों को डाल देते हैं। क्यों? तलाक हुआ है कि नहीं हुआ, पहले पूछ रहे। पहले देश के लिए कुछ काम किया है या नहीं? क्या किया है? वो तो गुंडागर्दी कर रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है 10 साल से। क्या करा है उसने? महंगाई इतनी कर दी है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही ढंग से। कह रहे कि विकास किया है हमने, कह रहे जनता सर्वोपरि है। क्या विकास कर रहा है बहना से? हिंदू मुसलमान कर रहा है, क्या विकास कर रहा है बताओ? हिंदू मुस्लिम भाई भाई है हमारे, ऐसा कहते हैं। अरे वो ढोंगी है, वो ढोंगी, वो चला जाता बिरयानी खाने पाकिस्तान में। ऐसा लगता है कि आपको कि अपने नेताओं को बचा रहे हैं यहाँ पर? बचा रहा है ये? हाँ। अपने नेता को बचा रहा है, दूसरों को डाल रहा है, क्यों डाल रहा है? विपक्ष के लोगों को क्यों जेल में डाल रहा है? है? हाँ। अरे जज भी ऐसे ही हो रहे, जाके उसके घर पे जाके घंटा बजाने चला गया। जज के यहाँ क्या मतलब है उसका जाने का? तो देखिए, राहुल गांधी को यहाँ पर बीजेपी के नेता आतंकवादी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये एंटी कह रही है प्रधानमंत्री मोदी को नहीं रहना चाहिए, फिर भी नहीं रहना चाहिए, कांग्रेस का बनना चाहिए। पप्पू तो तू भी है, तेरा बाप है पप्पू, तेरा बाप है पप्पू, तेरा बाप है पप्पू, तेरा बाप है पप्पू, तेरा बाप है पप्पू। अरे रुकिए, पप्पू कैसे कह रहे? क्या क्यों कह रहे पप्पू? उनका बोलने का ढंग है नहीं। क्या बोल रही है? मोदी चौथी पास पड़ा हुआ है, औकात है उसकी। मुर्दाबाद। चले, यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी राय दी है, क्योंकि अनपढ़ तमाम लोगों ने अपनी राय दी है हरियाणा चुनाव को लेकर कि क्या कहती है जनता। अब अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए डीएस4 न्यूज।